इधर पढ़ते हैं देखिए तो ये फिजिकल डायरेक्ट भी दबाव है और इनडायरेक्ट। अब जो लोग साधारण लोग होते हैं उनका दबाव तो देख कर ही है, जो साधारण लोग होते हैं बहुत अभी नए स्टूडेंट हैं उनका दबाव क्या, उनका दबाव दूसरा पढ़ रहा है इसलिए पढ़ रहा है। लेकिन जो असाधारण हो चुके हैं बड़े स्टूडेंट समझदार, उनके अंदर आंतरिक चेतना का दबाव है, राष्ट्र की चेतना, समाज की चेतना, स्वचेतना, जीवन लौकिक परलौकिक सभी जानते हैं चेतनाएं उनको संभाले हुए हैं, उनको अनुशासित किए हुए हैं। तो ऐसे जानते हैं जो बाउंड्री हमारी है उस बाउंड्री पे राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2019 तक राजस्थान की सीमा सील कर दी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं राजस्थान की बहुत बड़ी बाउंड्री में दलदल है, बाड़मेर की सीमा, जालौर की सीमा, सिरोही की सीमा, लिटिल रन ऑफ कच्छ, कच्छ के छोटे रन से जुड़ा हुआ, जहां पे क्या है दलदली मानसी लैंड है, जहां पे दलदली भूमि है। तो कैसे करेंगे आप, वहां कैसे बाढ़ बनाएंगे? वहां तो बाढ़ बनाया जा सकता है भाई, या तो मिसाइल से, या तो राडार से, या तो सैटेलाइट से। तो ऐसे में ऐसी मिसाइलें मुख्य रूप से जानते हैं सीमाई सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आए कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें क्या हैं, इनके महत्व को रेखांकित कीजिए, तो बड़ा खूबसूरत है इसका महत्व कि सीमाई क्षेत्रों में जो हमारी सीमा सुरक्षा है, जो गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक का काम है, सीमा प्रबंधन में, घुसपैठ को रोकने में, आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम लगाने में, प्राक्सी वार को रोकने में, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में, जाली करेंसी की गतिविधियों को रोकने में, और पशुओं का अवैध जानते कारोबार जो हमारी सीमा बंगाल से और असम से लगी हुई है, जानते हैं बांग्लादेश की पशुओं की बड़ी तस्करी होती है, लोग वहां के युवा जाते काम नहीं करना चाहते, जैसे उनका ध्यान होता दिन भर ऐसे ध्यान रखते हैं कि इसका गाय, इसका बकरी, इसका भैंस, अब दो बकरी दो गाय रात में निकाल लेते हैं से लेकर और जाते हैं उधर बांग्लादेश की तरफ। और आज के समय में कोई भी गाय बकरी दो चार पांच हजार से कम नहीं, और अगर दो भी बकरी अपने घर की तो बकरी है, अपनी गाय है नहीं, किसी का गाय मान लीजिए 50,000 की भी गाय है, 10,000 की भी गाय है, उनको क्या 3,000 रुपए से नहीं, तो फटाफट एक सेकंड में बिकता है पर डे। मतलब अगर गृह मंत्रालय का डाटा देखें तो आप घबरा सकते हैं, पर डे आते हैं 1700-1800 पशुओं की तस्करी पर डे। वो तो भारत सरकार का बीएसएफ का एक अलग जानते हैं उस पर एक्शन ग्रुप बना है जिसे कम हुआ है, अभी भी माना जाता है 500 से अधिक पर डे पशु जाते हैं घर से उधर होते हैं। अब पता चला पटना का भी है, गया का भी है, धनबाद का भी है, अब इधर से पशु निकाल के उधर रात में किसी का पशु छीन ले गया और पशु को ले जा करके उधर से खाली बाउंड्री, तमाम बाउंड्री हमारी सील नहीं है, हर जगह बीएसएफ नहीं है, बहुत जगह सील की नहीं जा सकती, नदियां हैं, तिस्ता नदी है, बहुत प्रकार की नदियां हैं, और उसमें से जानते हो अंदर से नदी के अंदर से निकल जाता है, उसके लोग होते हैं, तमाम डाकू गिरी है बीच में जाते हैं, तमाम नाव पे बैठे होते हैं, दो चार डाकू उधर पहुंचा है, वो भी पैसा लेता, वो भी पैसा। ऐसे जानते हैं इन सारी गतिविधियों को रोकने में बड़ी भूमिका सृजित की जाती है ऐसे मिसाइलों के माध्यम से, जब ऐसे कुछ कार्रवाई, क्योंकि ऐसी मिसाइलें बहुत ज्यादा रेंज की नहीं होती, जैसे त्रिशूल की जो मारक क्षमता है दैट इज ओनली 9 किलोमीटर, दिस इज ओनली 30 किलोमीटर, और दिस इज ओनली 25 किलोमीटर, एंड दिस वन इज 30 किलोमीटर। तो इस नाते ऐसी मिसाइलों को हम छोड़ सकते हैं वहां, और एक दो लोगों के ऊपर जैसे कार्रवाई हुई या गिरोह के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी की मिसाइल है, दीज आर मिसाइल रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी। और आप जानते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, भारत सरकार की 5 विशेषताएं दी गई कि भारत का राज्य क्या होगा, पहला संप्रभु, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा गणतांत्रिक, चौथा सेक्युलर और सोशलिस्ट। इनमें पहली विशेषता को संरक्षित कैसे करेंगे, जब सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। बिना सीमा को सुरक्षित किए क्या संप्रभु हो सकते हैं, क्या निर्णय लेने में स्वतंत्रता हो सकती है, क्या आंतरिक और बाहर मामले में निर्णय की स्वतंत्रता हो सकती है, खराब नहीं। इसलिए इन मिसाइलों की बहुत ज्यादा भूमिका है, इसमें भी सवाल आप लिखें, सवाल लिखें। पहला प्रश्न लिखना लिखिए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के महत्व को रेखांकित कीजिए।
draw the importance of surface to air missile. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की महत्व को रेखांकित कीजिए. इसका एक आंसर फ्रेमिंग में करवा देता हूं ताकि अंदाजा आपको रहे. ऐसे तो आंसर लिखे जा रहा है इसका 150 शब्दों में. देखिए इसमें आंसर लिखा कैसे जाता है, आप लोगों में से काफी लोग उस कौशल से युक्त होंगे. पहले क्वेश्चन को बांटा जाता है, जैसे लिखा गया इसमें है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का, इसमें तीन शब्द है. एक शब्द है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. दूसरा है जानते उनका महत्व, और तीसरा जानते डिस्क्राइब करना, रेखांकित करना, बताना है. लेकिन जब बताया जाता है तो अपनी तरफ से भी चीजें जोड़ी जाती है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर क्वेश्चन होता चर्चा कीजिए तो कुछ नहीं जोड़ पाते. जैसे कोई कहे उनके अनमोल के बारे में चर्चा कीजिए, जैसा देखा वैसा कर दीजिए. लेकिन कोई कहे उनके बारे में समझाइए कैसा है, तो अपने तरफ से दूसरा पॉइंट जोड़ सकते हैं. कोई कहे अपने अनमोल को रेखांकित कीजिए, तो आप अपने तरफ से टिप्पणी भी कर सकते, बता सकता है ऐसा है, ऐसा और करना चाहिए था, दो चार चीज और ये जोड़ना चाहिए था, या ऐसा करना चाहिए. इट मीन्स इसमें आपके विजन्स को भी जानते लिखना है डिस्क्राइब करने वाले प्रश्नों. तो सबसे पहले परिभाषा, क्योंकि देखिए प्रशासन में टू द पॉइंट आंसर लिखा जाता है, घुमा फिरा के यहाँ बात नहीं की जाती. तो सबसे पहले लिखे ऐसी मिसाइलें, लिखे ऐसी मिसाइलें जो सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती हैं, ऐसी मिसाइलें जो सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती हैं, उन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है. उन्हें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कहा जाता है, जैसे त्रिशूल, आकाश, मैत्री आदि. एग्जाम्पल जरूर दिया जाता है अपनी बात को कहने के लिए. जैसे जैसे त्रिशूल, आकाश, मैत्री आदि. अब नए पैराग्राफ, ये पहला पार्ट हो गया, नए पैराग्राफ पे आ जाइए. नए पैराग्राफ पे आ जाइए. लिखे वायु सुरक्षा, लिखे वायु सुरक्षा के बिना सीमाई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है. लिखे वायु सुरक्षा के बिना सीमाई सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी, वायु सुरक्षा के बिना सीमाई सुरक्षा नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है. और सीमाओं की सुरक्षा के बिना, और सीमाओं की सुरक्षा के बिना, और सीमाओं की सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा, सीमाओं की सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है. राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है. जो भारत के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रस्तावना में लिखित है, उल्लिखित है, जो भारत के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है, जो भारत के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है, लिखे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करके, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करके, सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करके घुसपैठ पर रोकथाम, घुसपैठ पर रोकथाम, छद्म युद्ध पर रोकथाम, छद्म युद्ध में कमी या रोकथाम, प्राक्सीवाद, छद्म युद्ध जो मुठभेड़ चल गया, छद्म युद्ध प्रॉक्सीवाद लिखते हैं ना, प्रॉक्सीवाद जो मुठभेड़ आए दिन चलती रहती, हमारे अनेक जवान शहीद होते रहते,
और हम अगर अपने जवान को नहीं बचा पाते हैं तो हम नालायक राज्य हैं, क्योंकि जवान जानते शरीर नहीं होते, जवान कोई मनुष्य नहीं होते, राष्ट्र के गौरव हैं, राष्ट्र की जानते हैं, राष्ट्र के हाथ पैर हैं। और सीमा पे एक जवान का मरना किसी एक व्यक्ति का मरना नहीं होता, राष्ट्र के पैर का कटना होता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है किसी सैनिक का मरना, ये जानते हैं बहुत ही ऐसी घटना है जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अगर कोई राष्ट्र अपने सैनिकों को की शहादत को लगातार कंट्रोल नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है, वो मृतप्राय राष्ट्र हो जाएगा। ऐसे देश को जाते कभी भी अपने अस्तित्व और गरिमा को प्राप्त करने में जाते अनुकूलता नहीं आ सकती। तो आपने लिखा कि छठ युद्ध में रोकथाम काम, मादक पदार्थों की तस्करी, महिलाओं बच्चों की तस्करी, पशुओं की तस्करी, नशीले पदार्थों पशुओं की तस्करी का नकली नोटों का कारोबार, बगावत और अलगाववाद की जड़ों को काटने की दिशा में प्रयास किया जा सकता, बगावत और अलगाववाद आदि की जड़ों को काटने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा सकता है। अब फिर नए पैराग्राफ कह रही है, इसका महत्व तो हम लोगों ने दो पार्ट कर दिया, इस क्वेश्चन में तीसरे पार्ट पे आने हैं। तीसरा कह रहा है रेखांकित करना। तो रेखांकित का मतलब डिस्क्राइब, जब किसी भी चीज को किया जाता है तो उसमें उसकी पर्याप्तता, उपलब्धता, योग्यता, इन सब की चर्चा की जाती है कि भाई ये कब हो पाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, तब हो पाएगा जब आपके पास मिसाइलों के माध्यम से एयर डिफेंस सिस्टम बन जाए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन जाए, जब वायु सुरक्षा प्रणाली बन जाए, जब मिसाइल सुरक्षा प्रणाली बन जाए, जब इनविजिबल बाउंड्री तैयार हो जाए। बात समझ रहे हैं? वो अभी तक हम लोग तैयार नहीं कर पाए हैं, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के महत्व को वायु सुरक्षा प्रणाली, मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, इनविजिबल फेंसिंग, अदृश्य सीमा, अदृश्य बाड़ लगाना, इनविजिबल फेंसिंग, अदृश्य बाड़ लगाना आदि को स्थापित करके ही किया जा सकता है। जिसकी दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी उसमें और प्रयासों की आवश्यकता है, सीमाएं और संभावनाएं दोनों बताना आवश्यक है, और सीमाओं और संभावनाओं को बताए बिना हम किसी भी विषय के पूरे महत्व को जानते बता न सकेंगे। तो इस टाइप के जो भी आंसर क्वेश्चन बनेंगे उन सबको आप सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न और, मैं दो प्रश्न और लिखवा देता हूँ। प्रश्न इसलिए लिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि सबको लिखना है, प्रश्न इसलिए लिखाया जाता है ताकि आपके रिजल्ट को, थॉट को खोल देना है। आप जानते हैं कि बिना थॉट को खोले बड़े एग्जामों में जीत नहीं हो सकती, जहां लिखना होता है। अब आप जानते हैं थॉट कैसे खुलता है,
विचार कैसे आती है, विचार कैसे आती है, जानते कैसे आते हैं? इनर वॉइस से। और इनर वॉइस कैसे आती है, ये चीज पढ़ेंगे, दीपक सर आपको बताएंगे इनर। और मैं भी बोलता हूं, दीपक सर अलग से बोलेंगे, मैं अलग से बोलूंगा, है कि इनर एक्नॉलेजमेंट। और इनर एक्नॉलेजमेंट होगा तो थॉट है, और थॉट से क्या आता है, थिंकिंग आती है, और थिंकिंग से क्या आता है, आइडिया आता है, और आइडिया से क्या आता है, एप्लीकेशन की तरफ आता, एक्शन की तरफ, आइडिया से फिर एक्शन होता है। जब विचार आपके मजबूत हो जाते हैं तो क्रिया मार्ग हो जाते हैं, क्रिया से युक्त हो जाते हैं। बहुत पहले कृष्ण ने ये जादू बताया था, कृष्ण की भी पढ़ाई लिखाई देख करके लगता है कि कितना जबरदस्त उनकी ज्योमेट्री रही होगी, कम से कम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे उनको महारत जरूर रही होगी, ऐसा गीता पढ़ के बार बार लगता है। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट की उनकी मास्टरी को उन्होंने जानते हैं, उनका ज्ञान भक्ति होता। ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब है जानते हैं सटीक, ज्ञान का मतलब सही समझ, सही समझ से ज्ञान के बाद क्या भक्ति, फिर कर्म, सही समझ से ही सही भाव आता, भक्ति माने भाव और कर्म माने क्रिया, सही समझ से सही भाव और सही भाव से सही क्रिया। अगर क्वेश्चन की सटीक समझ होगी तो सही भावना आएगी और सही क्रिया, यही तो कृष्ण ने बताया ज्ञान भक्ति और कर्म, कि किसी भी चीज की सही समझ सुनिश्चित करें, और सही समझ से सही भाव आएगा, और सही भाव से चेतना प्रकट होगी तो क्रियामाण हो जाएगी, क्रिया से युक्त हो जाएगी, अपने आप एक्शन में चली जाएगी। और ये सब कंटिन्यूअस साइमल्टेनियस जाते हैं आपके अंदर, चलते रहना चाहिए, प्रयास होते रहना चाहिए। तो जब ऐसे हम लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। एक दो प्रश्न और लिखना है, एक प्रश्न लिखिए, लेकिन भारत में सीमाई सुरक्षा, लेकिन भारत में सीमाई सुरक्षा की चुनौतियां, भारत में सीमाई सुरक्षा की चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, भारत में सीमाई सुरक्षा की चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, न केवल स्थलीय सीमा पर बल्कि समुद्री सीमाओं पर भी, तटवर्ती सीमाओं पर भी, जहां आर्टिकल 297 है, न केवल स्थलीय सीमाओं पर बल्कि समुद्री सीमाओं पर भी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संदर्भ में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संदर्भ में सीमा सुरक्षा के लिए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संदर्भ में सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों की महत्व को रेखांकित कीजिए, प्रयासों की महत्व को रेखांकित कीजिए। बहुत लोग प्रश्न को प्रयासों के महत्व को रेखांकित कीजिए 200 शब्दों में। देखिए कभी ये मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न पढ़ने पे लगेगा बाप रे बाप क्या पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता जी। आईएएस के प्रश्न नहीं देखते कितने आसान होते, जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, हनुमान जी को पता नहीं था खाली कर सकते हैं, पवन तरह बल पवन समान, उनका अच्छा कितना सारा मेरे अंदर है, तब जानते हैं उन्होंने कहा अच्छा तुरंत खड़े हुए, किधर जाना है मुझे, जाम ने डायरेक्शन दिया किधर जाना, आप जानते हैं हर चीज को जानते हैं। मैंने छोटा सा अभ्यास करके देखा, तिरुवनंतपुरम में मैं क्लास ले रहा था, केरल में लोग बहुत कम सेलेक्ट हो गए, लेकिन जानते हैं आईएएस की क्लास का चमत्कार, 7-8 बच्चे उसी क्लास में से, 50 बच्चों क्लास में से सफल हो गए इसी बार आईएएस। खाली मैंने इकोनॉमी आईआर और साइंस टेक का खाली मात्र इतना कम क्लास तो मैंने कभी लिया ही नहीं था, और उसके बाद इतना सारा गौरव मुझे मिला उधर केरल में। जानते हो सबसे बड़ा रीजन है मैंने कुछ नहीं किया,
हमने तो खाली विचार खोला, उसमें बच्चे ही अच्छे थे, आईआईटी के तमाम जाने प्रोफेशनल्स लोग थे जो पोस्टिंग इनकी कोचिंग वोचिंग में थी, वो सारा ज्वाइन कर लिए और मात्र हमने 12 दिन क्लास लिया। सोचिए तीन पार्ट पढ़ाना 12 दिन में, आईआर, इकोनॉमी और साइंस टेक, तीनों मैंने कम्प्लीट किया। और तीनों कम्प्लीट करने के बाद जानते बच्चे स्वयं सारे प्रश्न लिखने लगे, जैसे आग लग गई सब के अंदर। बाप, मैंने कहा कि इतना सारा खुद तीस थे, वो सारे खुद खुद उनके खुद सारी बात मालूम, उनका पास हो चुका, कोचिंग करने का आवश्यकता नहीं है सर, अब आंसर निकलने लगा है कि नहीं। तो जानते हैं यही आभास है कि आप खुद आईएएस का प्रश्न देखिए, इस साल का या पिछले साल का, आप क्लासेस करने के बाद आपको लगेगा सारा प्रश्न आप कर सकते हैं, और नहीं ऐसे लगेगा कि करंट अफेयर का आ रहा है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे ना तो लगेगा हर प्रश्न लगेगा पापा किधर से पूछता है, ऐसे नहीं। और जानते हैं ये पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, कब कितना भी पढ़ते रहेंगे क्या वो भय समाप्त हो जाएगा? सांख्य कहता है कि जानते भय का कारण अज्ञान है, लेकिन कौन सा अज्ञान, कौन सा ज्ञान जो अज्ञान को दूर कर देगा? ये कहता भय का कारण अज्ञान है। सांख्य दर्शन कहता है कि भाई सांख्य दुनिया में अगर देखा जाए तो दो दर्शन ही काफी है आपके जीवन के लिए। सांख्य कहता है जानना ही काफी है, और योग कहता है करना ही काफी है, जानने की जरूरत ही नहीं, करना ही काफी। सांख्य कहता है सिर्फ जानना। सांख्य का नोट्स बनवा दिया था कृष्ण ने गीता में, वो भी अगर सांख्य आपको पढ़ने का मन ना हो गीता को पढ़ सकते, उतना उतना बढ़िया नोट्स बनवाते थे कृष्ण, जाते उतना कोई शिक्षक आज तक नहीं कर पाया पूरे उतने दर्शनों को, 700 श्लोक में आप कोई शिक्षक करके दिखा दें, इसलिए शिक्षकों के लिए आदर्श है कृष्ण। उन्होंने कहा सिर्फ जानना ही काफी है, अगर आप जान गए, जिस दिन आपके नजर बदली नजरिया बदल जाएगा, और जान जब किसी चीज को जान लेंगे ना, तो कलाम जी कहते थे, कलाम जी इस बात से बड़े प्रेरित हुए सांग से, उन्होंने कहा सपने वे नहीं होते जो रात में देखे जाते, सपने वे होते जो